रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो ला राशि वालों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि माता रानी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर खुशखबरी सुनकर आपके दोनों आंखों से खुशी के आंसू टपकेंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपके 5 बड़े सपने सच होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया जा रहा है, अतः आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर आपकी नौकरी कैसी रहेंगी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ कैसी रहेंगी, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके निजी जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हैं, ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखनी है, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आज की वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें, इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। दिल की ना सुने, अपने दिमाग की सुने, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तर्कशीत से काम लें और ऊर्जा से सही जगह पर लगाएं। निवेश के लिए समय अच्छा है, अधिक सावधानी की बजाय अपने को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, राहत मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके शरीर ने अब आपका बहुत साथ दिया हुआ है और लगातार आपके काम करता रहा है, इसलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब सारा एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर सामान्य रूप से काम करने में कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है कि पानी खूब मात्रा में पिएं और पानी की जो है मात्रा बढ़ा दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आज आप किसी ऐसे लोगों से मिलेंगे, किसी ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप बहुत दिनों से जो है सपना देख रहे थे। यह व्यक्ति आपकी ही तरह दिलचस्पी और देखिए साहसी होगा। आपको बता दें, आप कुछ समय से इस तरह व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की सिंगारियां आप में रहेगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीरे से अपने प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना ना भूलें, यही आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है, अपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आपके जो है फेंके थे, इसलिए बहुत ही आवश्यक की है कि अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं क्योंकि कार्य का दबाव आपके जो है कार्यस्थल पर काफ़ी कम हो गया है और अच्छा जो है शक्ति प्रदर्शन की वित्तीय लाभ का भी मार्ग खोलेगा। लंबी अवधि ने निवेश को जो है पैसे का निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है। इस समय आप निवेश कर सकते हैं, आपको दोगुना धन लाभ होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक जो है कौशलों को निखारने तथा आने वाले पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ
वित्तीय परेशानियां आने पर आप दूर भी कर पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी तकलीफें हो सकती है, कोई बड़ी तकलीफों की समस्या अभी आपको नहीं मिलेगा। आपको हल्की फुल्की ठंड या फिर सिर दर्द महसूस हो सकता है, हालांकि यह अधिक देर तक नहीं चलेगा, लेकिन आपको इससे कमजोरी सी महसूस हो सकती है। इसलिए आज बहुत सारे काम करने की योजना न बनाएं, खूब सारा आराम करें और शांति से रहें। इसका आप जल्द ही बिल्कुल ठीक जो है महसूस कर पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफ़ी साथ दे रही है और उनकी अपनी जो साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकती है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे जो है अवकाश लेकर किसी चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए। इसके लिए सामान्यतः उन्हें समय जो है नहीं मिल पाता है, और जो उनके मनपसंद काम है, कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ कीमत अलग रहकर भी समझ आती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपने समकक्षों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर सकती हैं, और आज आपकी यात्रा जो है संतोषजनक स्थिति पर समाप्त होगी। उस पुरकार की राशि जो है लाभार्थी हो सकती है जो इस समय समझदारी का नतीजा है, और आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपने समर्थन देने के लिए विशेष शब्दों के साथ आपका धन्यवाद आपको सम्मानित कर सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें इस समय लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको समय के साथ चलना होगा और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप करके अपने सभी सपनों को साकार कर सकती हैं, इसलिए मेहनत से मत घबराइए, मेहनत करते रहिए। फल की चिंता मत कीजिए, फल ऊपर वाला बैठे हैं देने के लिए। इसके उपरांत आज का दिन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी हुनर और कार्यों दोनों की ही प्रशंसा होगी। अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, और परीक्षा से डरने के स्थान पर उनका डर कर सामना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप उन्मुख प्रवृत्ति के आदमी हैं और समर्पण आपके स्वभाव में नहीं है, इसलिए आपके लिए ही बेहतर होगा कि आप इनमें से न पढ़े और फिर अपने पार्टनर की जो है उपज बिजनेस के साथ आराम करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। जो अब अकेले हैं, शांत हैं, गंभीर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें जो है परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ना एकमात्र साधन है, आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने जो है प्रभावी जो है नरमी कौशल के लिए जाने जाएंगे, और आपको और अधिक जो है ज्ञान पाने के लिए अवसर मिलेंगे, तथा आप अन्य लोगों के साथ इन ज्ञान को साझा भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको जो है वित्तीय नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर भी कहीं कदम उठाएं। बिना सोचे समझे आप अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए जो है भारी पड़ सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे